पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में भागलपुर की सनहौला प्रखंड के 18 पंचायत के 237 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। कुल 1,27,000 मतदाताओं में 62% लोगों ने मतदान करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 6 पदों के लिए 530 प्रत्याशियों के भाग को मतपेटी में बंद कर दिया। बायोमेट्रिक सिस्टम से आयोजित मतदान का रिजल्ट 10 अक्टूबर को मतगणना के बाद पता चल सकेगा और गांव की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं ने किस पर अपना भरोसा किया है पता चल पाएगा। नवगछिया के साहू परबत्ता निवासी दिलीप कुमार शाह और शिक्षिका अंजू कुमारी के पुत्र अंकित कुमार ने बीपीएससी 65वीं परीक्षा में 10वां स्थान लाकर जिले का नाम रोशन किया है। परिणाम आते ही अंकित के पैतृक गांव में हर्ष का माहौल है तो अंकित के बचपन के दोस्त उसकी सफलता से काफी उत्साहित हैं। मालूम हो कि अंकित एक सुरक्षा कंपनी में बतौर इंजीनियर उड़ीसा में वर्ष 2013 से पदस्थापित है। अंकित ने बताया कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा कटिहार के कुर्सेला में रहकर हुई है। इसके बाद की पढ़ाई पटना स्थित रामकृष्ण रेसिडेंशियल स्कूल से पूरी की और पटना सेंट्रल स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की। अंकित ने बताया कि उसके बाद उन्होंने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया और वर्ष 2013 में एक सुरक्षा कंपनी में बतौर इंजीनियर अपनी सेवा देने लगे। इस दौरान वो बीपीएससी की तैयारी भी करता रहा। वर्ष 2018 में भी उसने बीपीएससी की परीक्षा पास की थी जिसके बाद वो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बन गए। 64वीं बीपीएससी परीक्षा में भी उसने सफलता हासिल की और रेवेन्यू अफसर का पद उन्हें मिला। अंकित ने बताया कि वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने 65वीं बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होकर 10वां स्थान प्राप्त किया। अंकित की मां अंजू देवी गुणार्चक मध्य विद्यालय में शिक्षिका है। अंकित ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को दिया है। अंकित की सफलता पर उनकी तीनों बहनें पूजा, आरती और रितिका काफी खुश हैं। परिजनों ने बताया कि बचपन से ही अंकित काफी मेधावी था और उन लोगों को उम्मीद थी कि अंकित एक न एक दिन कुछ करेगा जिससे कि उसके समाज और परिवार का नाम काफी ऊंचा होगा। अंकित ने कहा कि उसने यह सफलता अपनी कड़ी मेहनत के बल पर हासिल किया है। उसने किसी भी कोचिंग क्लास का सहारा नहीं लिया लेकिन इंटरव्यू गाइडेंस उसने पटना के रंजीत कुमार सिंह के मिशन 50 से जरूर लिया। अंकित ने कहा कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का गहन अध्ययन और खुद का नोट्स तैयार कर उसने यह सफलता पाई है। अंकित ने कहा कि वो 8 घंटे ड्यूटी करता था और उसके बाद पढ़ाई करता था, इसलिए उसने कई वर्षों तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया। बीपीएससी ने 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया। इसमें नाथनगर थाना क्षेत्र के नरगा वार्ड संख्या 8 निवासी मोहम्मद नौसाद आलम की पुत्री सना आलम ने बीपीएससी परीक्षा में 509वां रैंक हासिल किया। आपूर्ति निरीक्षक पद के लिए वो चयनित हुई। इस सफलता से परिजनों व मोहल्ले में काफी खुशी का माहौल है। उनकी सफलता पर माता पिता ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने बताया कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल से हुई, फिर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मारवाड़ी कॉलेज में सेकंड टॉपर रही थी। इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया। उनकी सफलता की सूचना पर घर पर रिश्तेदार मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं। उन्होंने नए छात्रों को संदेश दिया कि नियमित रूप से तैयारी करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन हर दो दिन के बाद रहता है तो मैं क्या करती थी ना, मैंने एक अपना क्या लोगो बनाया था कि डोंट क्विट, तो उसे देख करके मैं बहुत करती थी, नहीं बस करना है तो करना है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बेहतर कर सकती हूँ। और मैं एज ए टीचर जहाँ हूँ वो एक रूरल एरिया है, मतलब नॉर्मली नरगा एक रूरल एरिया में ही आता है जो अभी अर्बन में शिफ्ट हो रहा है, सेमी मतलब इसको हम लोग अर्बन कह सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत नज़दीक से देखी, और मैंने अपने प्रोफेशन में भी उस जो रूरल बैकवर्डनेस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने काफ़ी करीब से देखा है कि क्या क्या परेशानियां होती हैं और लोगों तक सुविधा नहीं पहुंच पाती है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने देखा और मैंने उनसे काफ़ी एक्सपीरियंस भी लिया है। शायद मेरी जो ये एक्सपीरियंस है मुझे आने वाले फ्यूचर में अपने प्रोफेशन में काफ़ी काम आएगी। अकबरनगर थाना क्षेत्र के मकंदपुर गांव के रहने वाले किराना व्यवसायी संतोष कुमार के द्वारा नाथनगर थाना में एक महिला और एक पुरुष को उसके दुकान से सामान खरीदने के एवज में जाली नोट देने को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। लिखित शिकायत में संतोष कुमार ने एक महिला पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे दुकान से आकर किशमिश काजू लिया तथा 2000 का नोट दिया। जब मैं उस नोट को हाथ में लिया तो देखने में जाली लगा। तभी इतनी ही देर में एक दूसरे दुकानदार रामेश्वर राय जो कि नाथनगर थाना क्षेत्र के रन्नू चक्का है उस महिला को खोजते हुए वहां पहुंचे और उक्त महिला को देखकर पहचानते हुए कहा कि वो महिला मेरे दुकान से अभी अभी 100 रुपये का पेट्रोल लिया और 2000 का नोट दिया। इस बात को सुनते हुए वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। फिर जब उसके द्वारा दिया गया 2000 का नोट चेक किया गया तो पता चला वो डुप्लीकेट है।
इतने में वहां मौजूद लोगों ने उक्त महिला को एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के साथ भागते हुए पकड़ लिया और इसकी सूचना नाथनगर थाना पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उक्त महिला की पहचान अखिलेश मंडल की पत्नी पिंकी देवी तथा दूसरा उमेश मालाकार का पुत्र दिलीप मालाकार प्रवक्ता का बताया गया। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने कहा कि पूछताछ की जा रही है। बिहार विधानसभा के दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव के अंतिम दिन तारापुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्रा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सहित कई कद्दावर कांग्रेसी नेता मौजूद थे। अभी भी जीतेंगे जैसे भी हो, चूंकि जनता को पता है किसको वोट देना है, चूंकि उनका बच्चा उनके साथ हमेशा रहता है, मैं उनके साथ हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुद्दा रहेगा सर, एक बार बता दीजिए। विकास, तारापुर का, युवाओं का भविष्य, बेरोजगारी। देखिए, चुनाव तो जनता को लड़ना है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है और जो मैं उनके काम करने की स्थिति, जो उन परिस्थिति है, उससे मुझे निश्चित रूप से लगता है इस बार तारापुर की जनता ऐसे आदमी को चुनाव जिता करके भेजेगी जो उनके बीच दुख सुख में साथ रहा है, और वो है सिर्फ राजेश कुमार मिश्रा जी। राजनीति में गठबंधन ये तो समय का, परिस्थिति का होता है। ठीक है, गठबंधन में हम लोग साथ थे और मेरे उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जब एक तरफ से कोई गड़बड़ी हो जाए तो दूसरे को उसका जवाब देना ही पड़ता है, और हमने अपने मन से नहीं किया है। मैंने तारापुर के जनता के मनोभावना को देखते हुए राजेश कुमार मिश्रा जी को चुनाव मैदान में उतारा है। बिल्कुल, जनता का जो आवाज़ है, जो जितने लोगों से मैंने बात किया तारापुर, पहले भी वो लोग सूचना दिए कि साहब चुनाव लड़ना है, और चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग चुनाव जीतेंगे। जीतेंगे सर, भारी मतों से। भारी मतों से आइए ना, अभी आप देखिएगा और भीड़ वहाँ पे, हम लोग सभा में जा रहे हैं। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में इंटरमीडिएट में नामांकन को लेकर प्रचार के खिलाफ काफी हो हंगामा किया गया। छात्राओं का कहना था कि सभी कॉलेजों में नामांकन का दौर अभी तक चल रहा है, परंतु सुंदरवती महिला महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है, नामांकन के लिए अब दुर्गा पूजा के बाद महाविद्यालय कार्यालय से संपर्क करें, अभी कोई नामांकन नहीं होगा। इस बाबत छात्राओं ने कार्यालय के सामने प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया। साथ ही साथ छात्राओं के अभिभावक भी प्राचार्य से मिलने की कोशिश की, परंतु प्राचार्य से अभिभावक को नहीं मिलने दिया गया। अंततः छात्राएं जबरन प्राचार्य के कार्यालय में प्रवेश कर गई और अपनी सारी बातें प्राचार्य से कहीं। इस पर प्राचार्य ने कहा कि अभी हमारे महाविद्यालय में कोई नामांकन नहीं होगा, इसके लिए आपको दुर्गा पूजा तक रुकना होगा। हमारे महाविद्यालय में पूजा को लेकर कई कर्मचारी छुट्टी पर हैं। इंटर में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, हम लोग 10 दिन से घूम रहे हैं, यहाँ पर स्टाफ अवेलेबल रहते हुए भी नहीं लिया जा रहा है। क्या बोले? स्टाफ बोले कि हम 5 मिनट में ले लेंगे एडमिशन, सर से बस इन्फॉर्म करके आइए। और सब कुछ है क्लियर, फिर भी प्रिंसिपल का बस वो चाहिए इन्फॉर्मेशन। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित प्लस टू के 11वें में नामांकन के लिए ऑन स्पॉट नामांकन के लिए आई है। समस्या ये है कि हमारे 6 कर्मी पंचायत चुनाव कार्य में व्यस्त हैं, मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं वो दुर्गा पूजा अवकाश पर चले गए, तो मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से निवेदन किया है लिखित रूप से कि कम से कम एक दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर जो पोर्टल पर अपडेट कर सके, एक तृतीय वर्गीय जो रसीद काट सके, मैं SM कॉलेज में उसे जगह कंप्यूटर समेत दूंगा और तब नामांकन लूँगा। नामांकन उसी शर्त पर लूँगा जब पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा, तब मैं उसे रसीद दूंगा, पहले होने पर फेल होने की भी संभावना रहती है। मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है, अगर आदमी देते हैं तो आज से होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर भागलपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा स्थानीय निजी होटल में जिला अध्यक्ष अमर कुशवाहा के नेतृत्व में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर लोजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाए जाने की बात कही। साथ ही गरीब गुरबों को हर संभव मदद पहुँचाकर लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक को सच्ची श्रद्धांजलि दिए जाने की बात कही। पहले हम लोग के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रथम पुण्यतिथि थी, जो आज हमारे जिला अध्यक्ष सतीश पांडे जी की अगुवाई में
हम लोग आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम सभी जितने भी तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता, उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किए, उनके द्वारा बिताए गए समय को याद किए, और आज हम लोग के लिए बहुत ही दुख का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का खबर जब हम लोग सुने थे, उस समय हम लोग कभी ये सोच नहीं पा रहे थे कि हमारे नेता हम लोग को छोड़ के इतने जल्दी चले जाएंगे। बिहार में सभी जिलों में जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि समारोह पुण्यतिथि के अवसर पर रखा गया। उसी के मद्देनजर भागलपुर में भी होटल पैराडाइज में हमारे जिला अध्यक्ष प्रीति पांडे जी के अध्यक्षता में यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। इसमें हम लोगों ने न केवल उनके आदर्श, उनकी बात, उनके द्वारा जो वन नेशन वन कार्ड सहित जो अन्य विभिन्न विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में किस तरीके से जन जन तक उसका लाभ लोगों को मिले, हर घर आज के डेट में जितने भी गरीब दलित वंचित शोषित परिवार के लोग हैं, जिनको राशन कार्ड की आवश्यकता है और जिन तक राशन कार्ड नहीं पहुंच पाया है, हम तमाम लोग यही प्रयास रहेगा कि इस अभियान को हम लोग बृहद रूप में चलाकर जन जन तक जो बचे हुए लोग हैं उन तक किस तरीके से हम लोग राशन कार्ड पहुंचाकर हमारे आदर्श रहे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की उस प्रमुख योजना को धरातल पर पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जज्बा संकल्प संस्थान भागलपुर की ओर से एक निजी होटल में दुर्गा पूजा के मौके पर महिलाओं के लिए डांडिया उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर और संस्था की संयोजिका जिया गोस्वामी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत माता की चौकी गरबा नृत्य से हुई। महिलाओं के पारंपरिक परिधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्था की संयोजिका के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। गोस्वामी डांडिया उत्सव को लेकर आज मैं यहाँ पे आई हूँ। महिलाएं बहुत दिन दो साल से कोई भी उत्सव नहीं मना पा रही थी कोरोना की वजह से, क्योंकि आज एक नवरात्रि के को लेकर हम लोग सभी महिलाएं एकजुट हुए हैं। रात्रि का प्रारंभ हो चुका है और आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी की पूजा है, और इस अवसर पर जज्बा संकल्प संस्था की ओर से जिया गोस्वामी के संयोजन में उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही शानदार डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। मैं उन्हें और इस डांडिया में पार्टिसिपेट कर सभी मैं बहनों को बहुत बधाई देती हूँ। ललमटिया थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार के नेतृत्व व गणमान्य लोगों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष ने कहा कि पूजा कमेटी को पंडालों में सैनिटाइजर मास्क रखना अनिवार्य होगा, वहीं डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। थाना अध्यक्ष ने शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा में शांति समिति के सदस्य मौजूद रहकर शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करेंगे। वहीं चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी और सादे लिबास में पुलिस बल भ्रमणशील रहेंगे। असामाजिक व उपद्रवी तत्व पर पुलिस की पहली नजर रहेगी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर प्रशिक्षु दरोगा केशव कुमार, पूर्व वार्ड पार्षद अमरकांत मंडल, पूनम देवी, अजीत कुमार उर्फ अप्पूसा, जीवन कुमार, नरेश मिश्रा, मुन्ना खान, मोहम्मद छोटू, शंकर चौधरी, जवाहर मंडल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा और विसर्जन शोभा यात्रा संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना परिसर में शांति समिति और दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी रीता कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान महासमिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ साथ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की दुर्गा पूजा महासमिति के सभी मेढपति मौजूद थे। बैठक के दौरान सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा और विसर्जन शोभा यात्रा संपन्न कराए जाने की बात कही गई। साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 16 अक्टूबर को सभी प्रतिमा दिन में स्टेशन चौक पर कतारबद्ध होगी, वहीं से शोभा यात्रा मुसहरी घाट पहुंचेगी और मां दुर्गा की सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।